वुदरिंग वेव मस्त है, मुझे मजा आ रहा है कॉम्बैट में, वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन में, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैं इसके स्टोरी से कनेक्ट नहीं कर पा रहा। बाकी गेम्स का स्टोरी तो मुझे समझ आ रहा है, बट ये वुदरिंग वेव्स का फंडा क्या है? वेल, तुम में से बहुत से लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन होगा, एंड बहुत से लोगों को तो इसका स्टोरी कॉम्प्लेक्स भी लगता है। देखो, मैं तुम्हें स्टोरी इस तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब तुम अपना गेम खोलोगे तुम्हारा एंजॉयमेंट 10 गुना बढ़ने वाला है, क्योंकि तुम्हें पता होगा वुदरिंग वेव्स का वर्ल्ड है क्या। ऑल राइट वीप्स, सो मेन स्टोरी से शुरू करते हैं। हमारी मेन कैरेक्टर का गोल क्या है? सो अगर तुम देखोगे तो गेम के स्टार्टिंग में ही हमें पता चल जाता है इन दोनों लड़कियों के बीच में। उसे पता नहीं है उसका नाम क्या है, वो कहाँ से आया है, क्या करता है। हमारे मेन कैरेक्टर के पास कोई मेमोरी नहीं है कि वो यहाँ पे पहुँचा कैसे, लेकिन हैज अ प्लेयर हमें पता है कि इस गॉडेस ने मेन कैरेक्टर को जगा कर यहाँ पर भेजा है इस वर्ल्ड में, जिसका नाम है सोलारिस 3। अगर और सिंपली बोलूं तो इतना समझ लो, जैसे गेंशिन में ईथर का गोल है अपने बहन से वापस मिलना, वैसे ही रोवर का गोल है अपनी मेमोरी को वापस पाना, लेकिन मेमोरी पाने की जगह वो मेमोरी बना रहा है वो अलग बात है। ये कहां फंस गया भाई मैं, भाई ये क्या हो रहा है। सो हमारा मेन कैरेक्टर जिसको हम बुलाते हैं रोवर, वो जाता है इन दोनों लड़कियों के साथ जिंजो में, क्योंकि जहां पे है वो अभी वो बड़ा ही डेंजरस जगह है, एंड जैसे जैसे वो लोग ट्रैवल करते हैं वैसे वैसे यांग यांग हमें बताती है थोड़ा बहुत इस वर्ल्ड के बारे में। जैसे कि जो ड्रैगन रोवर ने अभी देखा वो था सेंटिनल ऑफ जिंजो, एंड जिंजो एक सिटी है होंगलोंग में, एंड होंगलोंग में टोटल 6 मेजर सिटीज हैं, एंड हर सिटी का एक खुद का सेंटिनल है। नाउ तुम लोग सोचते होगे, ओके फॉक्स, होंगलोंग एक रीजन है, उसमें 6 मेजर सिटीज हैं एंड हर सिटी का एक सेंटिनल है, लेकिन ये सेंटिनल कौन है और ये करता क्या है? तो अगर मैं सिंपली बोलूँ तो सेंटिनल एक गार्डियन है ह्यूमैनिटी का, जिसने हजारों सालों से ह्यूमैनिटी को हेल्प किया है, बचाया है ईवल से, जो कि है द लमेंट, जिसके ऊपर मैं आता हूँ बाद में। लेकिन सेंटिनल को इस गेम में दिखाया गया है हैज गार्डियन और मास्टर्स, जो कि ऑफ कोर्स पावरफुल हैं। जैसे कि जो पहला सेंटिनल है जिंजो का, वो है एक ड्रैगन जिसका नाम है ज्वे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है जिंजो में। फॉर एग्जांपल, ज्वे ने ही जिनशी को मैजिस्ट्रेट का पोजीशन दिया था, मिडनाइट रेंजर्स का पोजीशन जियन को दिया था, एंड यही नहीं, ज्वे एक्चुअली में प्रेडिक्ट कर सकता है फ्यूचर को। जैसे उसने बताया था जियन को कि रोवर आने वाला है एंड उसकी हेल्प करने वाला है, एंड उसके बाद जिनशी को भी ये बात बताया था, इसलिए जब वो रोवर से मिली उसने बोला कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बंदा है जिंजो के लिए एंड पूरे होंगलोंग के लिए, एंड इसी प्रोफेसी की वजह से जिंजो के लोग रोवर को पाना चाहते थे। लेकिन इन सब के बीच में एक और ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कि चाहता है कि रोवर उनका साइड ले। यप, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फ्रैक्सिडस की। नाउ ये फ्रैक्सिडस कौन है? वेल, ये एक ईवल ऑर्गेनाइजेशन है। एंड विलन्स हैं इन द गेम, एंड अभी तक सिर्फ दो ही मेंबर्स रिवील हुए हैं, उनमें से एक का नाम है स्कार, जो कि चाहता है कि रोवर उसका साइड ले एंड जिंजो का नहीं। नाउ ये अभी तक क्लियर नहीं है कि स्कार चाहता क्या है रोवर से, बट हमें ये पता है कि फ्रैक्सिडस का अल्टीमेट गोल क्या है। इनका गोल सिंपल है, टू एक्सेलरेट द लमेंट। नाउ तुम लोग ने गेम में ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, द लमेंट बेसिकली मीन्स डिस्ट्रक्शन एंड डेथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। एंड अगर तुम स्कार को देखोगे तो वो बोलता है द लमेंट ही एक जरिया है जिससे एक नया सिविलाइजेशन क्रिएट होगा, एक नया लाइफ फॉर्म क्रिएट होगा। नाउ ये मेरा थियरी है यहाँ पे, बट आई थिंक जो लाइफ फॉर्म की स्कार बात कर रहा है यहाँ पे वो है मिक्सचर ऑफ ह्यूमंस एंड टैसिड डिस्कॉर्ड्स, क्योंकि हमें पता है कि टैसिड डिस्कॉर्ड्स पलते हैं नेगेटिव ह्यूमन इमोशंस पे। नाउ जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेनेशन दिया था द लमेंट का,
वो उस कार के पॉइंट ऑफ व्यू से था। देखो जो उसने बोला वो रॉन्ग नहीं है, बट वो डिटेल्ड भी नहीं था। सो द लमेंट एक जनरल टर्म है, जैसे डिजास्टर एक जनरल टर्म है, क्योंकि डिजास्टर तो कई तरीके के हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। फ्लड हो गया, टॉर्नेडो हो गया, अर्थक्वेक हो गया, वैसे ही द लमेंट है। उसमें भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि टैसिड फील्ड्स, टैसिड डिस्कॉर्ड आउटब्रेक्स, रेटोरैक रेन, ग्रेविटी लॉस, ये सब कुछ जो इस विदरिंग वेव्स के वर्ल्ड में हो रहा है वो द लमेंट की पावर से हो रहा है। एंड इन सबको बोला जाता है वेव वॉन फिनोमिना, जो कि तुम एक्चुअली अपने मैप में भी देख सकते हो। तो ये है टैसिड फील्ड, यही सोर्स है जहाँ से टैसिड डिस्कॉर्ड्स निकल के आते हैं। ये प्लेसेस हाईली डेंजरस होते हैं इंसानों के लिए एंड नेचर के लिए भी। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं विदरिंग वेव का वर्ल्ड इतना वाइब्रेंट नहीं है, डल दिखता है, कलर्स नहीं है। वेल, यही सारे रीजंस हैं, लमेंट की वजह से कोई भी लाइफ फॉर्म ठीक से नहीं रह पाता। नाउ क्या यही एक प्रॉब्लम है ह्यूमैनिटी को? नहीं, थ्रेनोडियंस भी हैं। नाउ हमें इतना अभी तक नहीं पता है कि कौन सा रिलेशन है थ्रेनोडियंस एंड लेमेंट के बीच में, बट हमें इतना पता है कि थ्रेनोडियंस ऐसे क्रीचर्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं ह्यूमैनिटी के नेगेटिव इमोशंस को, एंड ये बहुत ही पावरफुल बीइंग्स हैं। अगर थ्रेनोडियंस जिंदा हो गए तो ह्यूमैनिटी बचने वाला नहीं है। इसलिए जिंजो का गोल है लेमेंट को रोकना, थ्रेनोडियंस को जिंदा होने से रोकना। एंड ऑन दी अदर हैंड फ्रैक्सिडस का गोल है कि थ्रेनोडियंस को जिंदा करना, लमेंट को एक्सेलरेट करना, एंड इन्हीं दोनों के बीच में हमारा रोवर फंसा हुआ है। नाउ तुम्हें पता चल गया है कि विदरिंग वेव्स का वर्ल्ड बिल्डिंग कैसा है, लेकिन अब हम बात करेंगे अपने रोवर की। एंड अभी तक स्टोरी में हमें कितना पता चला है उसके पास्ट के बारे में? सो जब वो जिनशी से मिलता है, वो उसे बताती है कि जिस तरीके से उसने क्राउनलेस टैसिड डिस्कॉर्ड को एब्जॉर्ब किया था, ऐसा ही कुछ सिमिलर पावर एक हीरो के पास भी था जो कि 100 years ago पहले होंगलोंग में था, एंड इसी हीरो ने बचाया था नेशन को ड्यूरिंग थ्रेनोडियन वॉर। नाउ ये एक मिस्ट्री है कि ये हीरो एंड रोवर के बीच में क्या कनेक्शन है, बट पर्सनली मेरा ये थियरी है कि वो हीरो एंड हमारा रोवर एक ही पर्सन है। नाउ तुम लोग सोचोगे फॉक्स इस कंक्लूजन पे तुम कैसे आए? वेल लेट मी एक्सप्लेन। जब जिनशी जा रही थी, वो जाते जाते बोलती है रोवर को, ब्लैक शोर बहुत ही इंटरेस्टेड है तुम में, एंड मुझे लगता है कि उन लोग को तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ पता है। नाउ जिन लोगों को नहीं पता, ब्लैक शोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, बट ये ईवल नहीं है। अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो जैसे क्लाइमेट रिसर्चर्स रहते हैं, वैसे ही विदरिंग वेव्स के वर्ल्ड में ये लोग लेमेंट रिसर्चर्स हैं। ये लोग लेमेंट को स्टडी करते हैं एंड वर्ल्ड वाइड नेशंस को अलर्ट करते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो। नाउ जब हम पूछते हैं ब्लैक शोर्स के एक मेंबर आल्टो से, तो वो बोलता है ये पहली बार नहीं है कि तुम इस दुनिया में जागे हो, पहले भी तुम जागे थे एंड तुम हमारे ब्लैक शोर्स में थे। एंड टू बी ऑनेस्ट, आल्टो का ये बात सेंस भी बनाता है, क्योंकि अगर तुम स्टार्टिंग का कट सीन देखोगे तो यहाँ पे ये गॉडेस इसे जगाई तो रही है, लेकिन हमें 100% नहीं पता क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें मिस्ट्री हैं इस गेम में। लेकिन एक चीज़ मिस्ट्री नहीं है, लाइक हर कोई रोवर को पाना चाहता है, लड़का लड़की, ब्लैक शोर वाले, जिंजो के लोग, इवन जो ईवल ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक पूरे 3 organizations हैं एंड तीनों के तीनों इसे स्टॉक कर रहे थे पूरे स्टोरी में। जोक्स असाइड, मुझे इसका स्टोरी बहुत अच्छा लगा, जो कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन है इस गेम में, इवन वाइल टॉकिंग, मैं यहाँ पे कटसीन की भी बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे डायलॉग्स की बात कर रहा हूँ, बहुत फन है इसकी स्टोरी। एंड आई होप कि इस वीडियो ने तुम्हें भी हेल्प किया होगा इस स्टोरी को समझने के लिए। नाउ शेयर करो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको अभी तक स्टोरी और ये वर्ल्ड समझ नहीं आया है। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय।